देखिए, आज हम एक बहुत अच्छी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। ठंडक आ गई है और खाना तो मतलब कुछ ज्यादा बन ही जाता है। जैसे हम दाल के विषय में बता रहे हैं, कोई चीज की भी दाल आपने बनाई हो, अरहर की, मसूर की, मूंग की, तो मतलब आदमी सोचता है, अरे अब ये दाल बच गई, इसको क्या करें। तो आप कुछ ना करिए उसको, जो है ना, बस देखिए हम बताओ, हमने क्या किया, हमने मूंग की दाल बनाई थी कल और वो बच गई। तो हमने क्या किया कि अब रात रात हो गई थी, सुबह की दाल थी, तो बड़ा मन कर रहा था कि क्या करें अब, जो है वही मन में। तो फिर हमने धीमी आंच में गैस में चढ़ा दिया और उसको चला देते थे, बस कुछ कुछ देर में आके चला देते थे। तो देखिए ये कितनी अच्छी दाल हमारी ये हो गई थी। अब इसको हमने ढक के रख दिया था। अभी अभी हम क्या करेंगे, आटा सानेंगे और इसको भर के और पराठे बना लेंगे। तो फिर पराठे का फिर सब्जी का नहीं चक्कर रहेगा, आप चाहे चटनी से खा लीजिए, अचार से खा लीजिए, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो हम इसमें कुछ मिलाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलाएंगे, और क्योंकि कोई चीज़ के संग तो आदमी खाएगा ही ना। तो अब ये कि मसाले वसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बस इसको भर के और पराठे बनाएंगे। वैसे भाई आपका मन है, आपका मन हो तो आप इसमें गरम मसाला, मिर्चा, ये सब डाल दीजिए, अमचूर। लेकिन हम तो मतलब सिंपल चीज़ वो फायदा करती है और नुकसान नहीं करती। एक तो पराठा चिकना खाओ और फिर उसमें मसाले वसाले डाल लो तो वो गरिष्ठ हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और सभी के यहाँ होता है कि मतलब दाल बच जाती है, तो बस आप लोग ये तो हमारी मूंग की दाल है, और आपके पास कोई भी दाल बनाई हो आपने और बच्चे, तो इसी प्रकार आप लोग करिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।